हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाँव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज आए हैं धुरवा डैम, कल तो आए थे शाम में, लेकिन आज आए हैं घोंगी चुनने। अभी ये गांव की गोरी लोग को चुनवाते हैं घोंगी। हम लोग ढेरे आगे आ गए कि काकी हमको समझे नहीं आ रहा है, चलो चुनते हैं। यहीं आसपास हम लोग चुनते थे, पूरा खाली है, हम ही लोग केवल आए हैं घोंगी चुनने। चलो फिर भी कोशिश करते हैं चुनने का, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। अब जान को दाव में लगा के तो उधर अंदर नहीं घुसना है, दिख रहा है। हयो देखो ती पैर पूरा घुस जा रहा है, कपड़ा उठा लेना। दिख रहा है तो चुनो, ज्यादा अंदर नहीं घुसना, यहाँ आस पास तो अजीब वाला कादो है। देखो ऐसे करके दे, कट्टी कट्टी। हाँ मेरा वाला प्लास्टिक कहाँ रे? ये दी सब, ये दे चुनो, लो सब अपना अपना चुनेगी, देखते हैं कौन की गिरा रही है चुन के भी। पानी को बोरा मत करना, यदि यहाँ आसपास है ये सबको चुनो। हाँ जल्दी जल्दी, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। ऐसे तैरने जानती है कि नहीं? जानती है। हम डैम में ना यहाँ से इस छोर से उस छोर हम आराम से तैर लेंगे, लेकिन छोटू छोटू है। हलम्बा लम्बा को पे दाल पे बुढ़हर नहीं तो बेस से कट कट गा निको छोटा, ज्यादा छोटा वाला को नहीं चुनना ना, वैसे कट कट को काल पे कटी मापरंग को खालंग को पे। ये देखिए एक ही बार मैं इतना चुनी हूँ, लो ज्यादा छोटा को नहीं करना, मीट जाने निकलता है उतना छोटा। बड़ा बड़ा को चुनो और उधर जाएंगे चुनने। मिलते हैं आप लोगों से, पहले चुनते हैं उसके बाद मैं फोन रखती हूँ, पानी में गिर ना जाए। हम लोग सब मिल करके इतना चुने हैं, ये देख सकते हैं इतना ही चुने हैं। और पहले मैं अकेले से इसमें से आधा प्लास्टिक चुन करके ले जाती थी। घोंगी ही नहीं मिल रहा है, लोग चुन रही है। मैं तो निकल गई हूँ डैम से और उतना ही चुनेंगे, मिल भी नहीं रहा है एकदम। पहले बहुत मज़ा आता था घोंगी चुनने, आज तो हमको मज़ा ही नहीं आ रहा है घोंगी चुनना, अनसा लग रहा है। निकल गई हूँ, धूप भी हो रहा है, लोग 11 बज रहे हैं, जाते हैं घर। चलो नहाएंगे धोएंगे, जब घोंगी होगा ना उस समय आना और चुन करके ले जाना। अभी तो नहीं मिल रहा है तो अब नहीं आएंगे, घोंगी चुनने लास्ट डे था। मियार की साझ पे आलू के साथ झोर हो जाएंगे ना, देखिए नहीं होंगे रे, हो जाएंगे रे। मिलेगा बोल करके प्लास्टिक खाली, देखिए ना कितना बड़ा बड़ा लाए हैं। बज रहे हैं 4 और अभी सो करके उठे हैं, डैम से आ करके फ्रेश हुए, उसके बाद बैंक गए थे आशियानी के। तो इसका अकाउंट ना रांची में है, इलाहाबाद बैंक में, तो वहाँ हम लोग गए थे पैसा निकासी के लिए और चेक भी करवाने। तो इसके अकाउंट में बैलेंस तो है लेकिन निकाल नहीं पाई। इसकी मम्मी का सिग्नेचर से निकलता है, क्योंकि जब आशियानी का हम लोग का अकाउंट तो ओपनिंग करवाए थे उस समय ये बहुत छोटी थी, अभी भी माइनर ही है। बैंक से आए तब तक ये दोनों सो रही थी, एक जन बेड में और एक जन यहाँ बाहर रूम में। और उसके बाद हम लोग भी, मैं तो कपड़ा भी नहीं चेंज की, आशियानी तो चेंज की और ये बाहर में सो गई, और मैं मेरी मिता के साथ में बेड में सो गई। और बाप रे इतना ज्यादा हम लोग सोए हैं, कहना ही नहीं। 4 बज रहा है और अब भी हम लोग दोपहर का खाना भी नहीं खाए हुए हैं, बताइए कब खाएंगे बता नहीं। एकदम फोकर फोकर मैं तो उलट उलट के सो रही हूँ, भूख से मैं पैर लग रहा है, वो भी होश ही नहीं। चलो आशियानी खाना निकालो, भूख भूख लग रहा है कि नहीं? हमको भूख लगना शुरू हो गया, इन लोग का ना स्कूल खुल गया है ना अनिमा। हाँ वो रही है, और मैं सोची थी ना कि जब तक स्कूल बंद रहेगा, छुट्टी रहेगा, तब तक इन लोग यहाँ रहेगी मेरे साथ में। अच्छा लगता है हमको ऐसे, मेरे साथ मेरी बहन लोग रहती है तो हमको अच्छा लगता है। तो हमको लगा कि रहेगी बोल रहे, तो अब स्कूल खुल गया, अगर इन लोग को ज्यादा दिन रखूंगी तो इसको भैया लोग हमको पीटेगा और डांटेगा भी, इसकी मम्मी लोग सब हमको डांटेगी। कल शायद गाड़ी बिठा देंगे यहीं पर, मुसू वाला गाड़ी तो मिल जाएगा। सुबह सुबह 8 बजे लगभग रहेगा, सुबह जल्दी उठना। शाम के 7 बजने वाले हैं और कपड़ा वगैरह हम लोग धो लिए हैं, खाना वगैरह खा करके, बर्तन वगैरह भी धुल गया है, अभी तो चावल चढ़ाए हुए हैं। और घोंगी भी बॉइल करके मेरी बहन लोग निकाल ली है उसका मीट, और को के लेके आए हैं तो घोंगी बनाएंगे अभी। 4 जन हम लोग गए थे, उसमें से इतना ही घोंगी का मीट निकला है, बताइए कितना कितना खाएंगे। 5 जन हैं खाने वाले, हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं। आलू मिलाऊंगी सोच रही हूँ इधर, और चावल चढ़ाए हुए हैं। क्या कर रही है? रील्स बनाएंगे। अच्छा रील्स बनाएंगे बोल रही है ना, और भी घूमने जाएंगे वहाँ शहीद मैदान अभी। हाँ खाना वाना बना के। हाँ 8 बजने वाले हैं और चावल बन चुका है, इसमें आलू और घोंघी मैं बना ली हूँ, और इतना टमाटर बाकी है
और इसमें है चिकन जो कि बनाना है, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊंगी, आ करके बनाऊंगी। इधर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और बैठे हुए हैं, चेंज भी नहीं किए हैं अभी तक। ऐसे जाइए। हाँ तो आपका तो नया ही शर्ट है। तुम लोग रेडी हुई कि नहीं? हुए। जल्दी लिपा तो पोती करो जल्दी जल्दी। पूरा बेड सबको बिखेर के रखी है, एक भी समेट करके नहीं रखी है। इधर किसका ओढ़ नहीं, किसका स्कर्ट फेकाल है, किसका फेकाल है। चलो जल्दी हो गई। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और इसको बांध दो पीछे, ऐसे ही है। चलो जल्दी बांधो बढ़िया से, एक बार बांध करके फिर कैसे बांधते पता है ना। हाँ वैसे बांधना। फिर तुरंत ही मेरे हस्बैंड आए हैं। इन लोगों को घुमाने ले जा रही हूँ शहीद मैदान के डिज्नीलैंड मेला। 8 बज रहा है और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं डिज्नीलैंड मेला शहीद मैदान के। कितना पैसे ले रहे हैं पार्किंग का? कितना पैसे ले रहे हैं? कितना प्यारा लग रहा है ये, घूम रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। इधर देखिए अभी तो हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा दिए हैं इधर साइड में। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, लेकिन देखने में सुंदर लग रहा है। इधर देखिए, चलिए आप लोगों को अंदर भी घुमाते हैं। यहाँ मेरी बहन लोग खड़ी है, चलिए मिलाते हैं। जल्दी जल्दी हाई करो सबको। कहाँ की हाई करो, कैमरा में देखो इधर। ये भी नहीं हाई की, जोहारो नहीं बोलती है, इसे हाय भी नहीं बोलती है। लड़की लोग ना, इसमें कौन कौन चढ़ेगी? पैसा का तो पेड़ लग रहा है। तेरा जीजा को बोलना कि हम इसमें चढ़ेंगे उसमें चढ़ेंगे। तेरा जीजा को आज खर्चा करवाना, हम डोंगा में चढ़ेंगे। डोंगा में चढ़ेंगे, ओके चलो ठीक डन। जीजा जी को खर्चा करवाना, तीनों साली लो। जीजा को हाथ पकड़ो और बोलो हम इसमें चढ़ेंगे बाटू, वहीकल में चढ़ू बाटू। अभी मेरे हस्बैंड टिकट लेने जा रहे हैं टिकट काउंटर में। यहाँ देख सकते हैं एंट्री फीस 20 रुपया मात्र है घुसने का, और पूरा घूमने का सिर्फ 20 रुपया है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिज्नीलैंड मेला ड्रीम सिटी करके, और यहाँ कुछ इस तरह से पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। टिकट लेकर के मेरे हस्बैंड आ गए और सबको एक एक दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो एंट्री नहीं मिलेगा। फिर मुझे भी मिल गया ये टिकट। उसके बाद में हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं अब तो। आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू आज के ब्लॉगिंग में। यहाँ से शुरू होता है एंट्री गेट, और जैसे ही घुसते हैं तरह तरह का पोस्टर लगा हुआ है फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर लगा हुआ था, जैसे कि बाहर देश वगैरह का कुछ कुछ था, बुर्ज खलीफा और भी क्या क्या सब था, मुझे तो नाम भी नहीं पता। और यहाँ आई लव डिज्नीलैंड मेला लिखा हुआ था यहाँ पर, लेकिन मैं फ़ोटो एक भी नहीं खिंचा पाई, क्योंकि इधर से घुसे थे और बाद में निकलते समय ना हम लोग एग्जिट गेट दूसरा तरफ था उधर से निकले थे। और एंट्री हो चुका है हम लोग का, देख सकते हैं क्राउड कुछ इस तरह से है। और यहाँ मेला लगा हुआ है तो तरह तरह का सामान बिक रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था मेरे लिए खासकर। जिनके पास पैसा है भाई उन लोगों के लिए तो महंगा नहीं होगा, पर मेरे लिए तो हाँ गाइस महंगा था, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था इसलिए मैं कुछ खरीदी भी नहीं। यहाँ देख सकते हैं बहुत कुछ सामान था, कपड़ा एक से एक आप कपड़ा देखिएगा, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा कपड़ा, सूती कपड़ा सब भी था, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा था। शायद क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, पर जैसा क्वालिटी है वैसा पैसा भी था। बहुत कोई गए भी होंगे आप लोगों में से तो पता ही है कि क्या क्या बिक रहा था। मैं जितना हो पाया उतना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो में आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो चीज़ भी कमेंट कीजिएगा। बहुत कुछ बिक रहा था यहाँ, एक से एक कप सेट सब, क्या थाली प्लेट अचार कपड़ा लत्ता लड़कियों का श्रृंगार का सामान, जूता चप्पल बैग्स वगैरह चूड़ियाँ। घूमते फिरते सामान वगैरह को निहारते निहारते हम लोग आ गए हैं जिधर झूला था उधर, क्योंकि मेरी बहन लोग को झूलना था। और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है फिश एक्वेरियम, लेकिन इसके अंदर हम लोग नहीं घुसे थे क्योंकि एक पर्सन का 100 रुपीस था, तो हम लोग बोले नहीं घुसना है। किसी के वीडियो में मैं देखी थी कि यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं और यहाँ पर ये घूम रहा है, इसको तो मैं बोलती हूँ रेलगाड़ी, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ड्रैगन की क्या बोलते हैं ना, लेकिन मैं इसमें भी नहीं चढ़ पाती हूँ, इसमें अगर चढ़ती हूँ ना मेरा हालत ख़राब हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। जैसे यहाँ टर्न करेगा ना यहीं पर मेरा इतना हालत ख़राब होता है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लोग बोर ही है, ये डोंगा में चढ़ेंगे चढ़ाते हैं खाएंगे। अभी शॉपिंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना ज़्यादा पैसा नहीं लाए हैं।
में मिक्की माउस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और साथ में गाइस था बिजली ढिलवा था, ब्रेक डांस था, टोरा टोरा था, डोंगा था, और छोटे छोटे बच्चों के लिए बोटिंग के लिए था, और गन से बैलून मारने वाला तो था ही गाइस। पर मेरे हस्बैंड टिकट करने जा रहे हैं अशानी लोग के लिए, और यहाँ देखिए प्राइस 80 रुपया एक पर्सन का। एक जन डोंगा, एक जन टोरा टोरा, और ये कुछ में नहीं चलेगी, ये बोरी टोरा टोरा में करेंगे, पता नहीं टोरा टोरा बोलती है, पूछिए इसको। ले जाते रहे जीजा को, जाओ कटवा, वो तो वहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ अशानी जा रही है, अशानी बाय बाय। एकदम डर नहीं लगता है लड़की लोग को, इसको झुला लेते का शुरू हो गया है। मेरे बहन तो दिख ही नहीं रही है किधर बैठी है, और इतना ऊपर फेंक रहा है, मस्त से बैठी है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखेगी, देखिएगा अभी वो, देखिए यानी आ गई है। कैसे लगा? अच्छा लग रहा था सब, मारी थे बोल दिया, बोल रही है। चलो टोरा टोरा वाली लोग, पहले बोली कि डोंगा में चढ़ेंगे, फिर बोली टोरा टोरा, फिर बोली ब्रेक डांस। तुम चढ़ेगी? तुम चढ़ेगी? तो बहुत ज्यादा रेट है, नहीं तो सारा में हम चढ़वाते, इतना ज्यादा अगली बार और चढ़ाएंगे। इतना ज्यादा रेट ही 80 रुपये यार, इसमें दो धन का हो जाना चाहिए। नहीं तो अभी अनिमा गई है, जा रही है बीच में, वो देखिए येलो येलो पहनी हुई है, जा रही है ब्रेक डांस। और इसको भी चढ़ने का मन तो है, लेकिन नहीं चढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट है का भैया, 80 रुपये वन पर्सन का है, कम से कम 80 रुपये में दो जन का हो जाना चाहिए। लूंगा मैं चढ़ी नेक्स्ट टाइम तक, और ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, और जिसमें बोलेगी उसमें चढ़ाएंगे। आज के लिए मन संतुष्टि करना तो पड़ेगा, नहीं तो इसको तो डर ही नहीं लगता है, ये बिजली रंग डिलवा में भी चढ़ जाएगी लड़की। चढ़ेगी भैया कोई चीज़ में? नहीं बोल रही, मेरे जैसे डर नहीं, हम तो रेलो गाड़ी में चिचिया के तैयार हो जाते हैं। भी शुरू हो गया है। अरे तुम मोबाइल नहीं ले गई, वीडियो नहीं शूट करके लाती तुम, अपना वाला नहीं ले दें तो रीडिंग के दें तो देखिए। तो हम तो इसमें भी बेहोश हो जाएंगे, लोगों का रिएक्शन देखिएगा। कहाँ गई मेरी बच्ची तो दिखी नहीं, अनिमा डरा रही है कि क्या कर रही है बच्ची, अनिमा अभी देखी काटी काटी, अनिमा कैसे लगा? अच्छा, हमको लगा डरा रही थी, नहीं डर रही थी? हाँ डरा रही थी ना, नहीं बोलती। यहाँ पर ये 20-20 रुपये का हम लोग मूली नहीं चना ले लिए हैं, ये मेरा आपका कहाँ नहीं दिख रहा है सर, दिखा तुम लोग चना। हाँ ये लोग हम लोगों का घूमना फिरना हो गया, चना वगैरह खा लिए, बहुत ज़्यादा कुछ तो खाए नहीं क्योंकि घर में खाना भी खाना है, और अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं, तो अब हम लोग सीधे घर की ओर जाते हैं, और आप सभी से मिलेंगे रूम पहुंचने के बाद में, क्योंकि मुझे भी राइड करना है, मेरे हस्बैंड जी को भी राइड करना है। अभी बजे है 10 और हम लोग घर वापस आ गए हैं मेला से, अभी चिकन चढ़ाए हुए हैं, जल्दी से बना दे रहे हैं चिकन, मेरी बहन मसाला पीस रही है, और जो था मेरी बहन लोग तल वगैरह था कुछ तो उसको धोने गई थी। अशानी तो पीस रही मसाला, पिसा रहा कि नहीं रे? पिसा रहा है, मिक्सी को तेरे जीजा खराब किया चावल पीसने का, मैंने तो मिक्सी में ही पीसते। घर भुंजा रहा है चिकन, चप्पल नहीं पहनेगा, खाली पैर तो ये साफ की कहाँ, हाँ अभी तक साफ ही रहेगा, छोटा बालू बालू। 11 बज चुका है और अभी रोटी बन रहा है, इतना सारा रोटी बनाया है, मेरे हस्बैंड रोटी ही खाएंगे बोल रहे हैं, तो रोटी पका लिए हैं, और इसमें देखिए चिकन बना हुआ है, कैसे बना है आप लोग बताइएगा, ये मैं बनाई हूँ, और आलू भी बहुत बढ़िया है, आलू भी डाल दी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोले कि आलू डाल देना ग्रेवी अच्छा होगा बोल करके। चलो अशियानी खाना निकालो भैया, लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और कैसे बना है चिकन अशियानी? अच्छा बना है, चलो तब खा। और इधर मेरे हस्बैंड तो रोटी खा रहे हैं, ले लो अंदर, हम तो नहीं खाएंगे, हम चावल खाएंगे। रात के 12 बजे सो जाओ लड़कियों, सुबह जल्दी उठना है। गाइस
अभी बज रहे रात के 12 और अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं और यहाँ झाड़ू पोछा करके बिस्तर बना दिए हैं इन लोगों के लिए और फिर बर्तन वगैरह भी सारा धो लिए हैं, सबसे लास्ट में धोए हैं। 12 बजे तक हम लोग बर्तन धो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे, ज़्यादा आवाज़ नहीं किए ना, ना खींचना ना ना खींचना, ढीलवा ढीलो मेरा कंघी में ढीला मत छोड़ना, हमको तो कौन खोजेगा, तुम लोग तो गाँव में रहती है, सब एक दूसरे का खोजा खोजी होएगी और हमको तो तेरा जीजा को तो कुछ आवे नहीं करता है, ढीला खोजी नहीं आता है। इधर करके करो ना, डिज्नीलैंड मेला में हम लोगों के लिए तो एक्सपेंसिव ही था क्योंकि हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है, तो जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए तो उतना भी महंगा नहीं है, पर हाँ हम लोगों के लिए महंगा था इसीलिए मैं बोली महंगा है। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ हाँ अच्छा लगा, नहीं लगता है तो जेन्युइन मैं बोल देती हूँ नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।